हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल ग्रीन लव पर। दोस्तों, जैसा कि पिक में दिखाई दे रहा है, आज का टॉपिक कोचिया का प्लांट है। दोस्तों, समर का है ये, बहुत ही अच्छा ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसको एक लाइन में लगाकर ये बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर व्यू देता है। इसको फायरवुड, बर्निंग बुश और समर साइप्रस के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि प्रोपोगेशन का सवाल है, ये बहुत ही सॉफ्ट मिट्टी में लगाए जाते हैं। इसके सीड्स और सीड्स लगाने का प्रॉपर जो टाइम होता है वो स्प्रिंग सीजन होता है, मतलब फरवरी मार्च में ये इसके सीड्स लगाए जाते हैं। और कहीं कहीं तो ये रेड कलर में भी मिलता है, मोस्टली रेड कलर में जो कोल्डर रीजन होते हैं वहाँ पर ये मिलता है। वाटरिंग का जहाँ तक सवाल है, ओवर वाटरिंग इस प्लांट को ख़राब कर देती है और इसकी बस सोयल को मॉइस्ट रखना ज़रूरी होता है। और प्लांट लगाते टाइम ड्रेनेज होल का तो ध्यान रखना ही पड़ता है। सनलाइट दोस्तों इसको बहुत ही अच्छी लगती है, कम से कम 5-6 घंटे की सनलाइट इसकी बेटर ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। कहीं कहीं तो दोस्तों इसको एनिमल्स, स्पेशली काओ और हॉर्सीज के लिए चारे के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि जब इसके प्लांट छोटे होते हैं तो प्रोटीन की मात्रा उसमें बहुत ज़्यादा होती है। जैसे जैसे प्लांट इसके मैच्योर होते हैं तो प्रोटीन की मात्रा कम होती जाती है। इसको जो नाइट्रोजन इसको सबसे अच्छी लगती है, इसलिए इसमें NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ही डालना चाहिए। वैसे तो जिस पॉट में इसको उगाया जाता है वहाँ पर वीड फ्री होना चाहिए। ज़मीन में उगाओ तो वह ज़मीन भी वीड फ्री होनी चाहिए, या पॉट में लगाओ तो पॉट भी वीड फ्री होना चाहिए, क्योंकि इससे इसकी ऑप्टिमम ग्रोथ रुक जाती है। ऑप्टिमम मतलब जिन फेवरेबल कंडीशन में प्लांट्स की ग्रोथ होती है, वो फेवरेबल कंडीशन प्लांट्स को नहीं मिल पाती तो उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि ये बहुत ही कम खर्चीला, मतलब बहुत ही सस्ता प्लांट है। इसके ऊपर कोई लगाने के बाद भी इतना खर्चा नहीं आता। बहुत ये इंसेक्ट फ्री है और इतने इस पर ज़्यादा इंसेक्ट वगैरह का अटैक नहीं होता, और पेस्ट फ्री है, मतलब इसमें फंजीसाइड और पेस्टिसाइड का बहुत ही रेयर यूज होता है, बहुत ही रेयर। जब इसमें इंसेक्ट नहीं लगते तो उनका भी यूज करने का कोई मतलब ही नहीं पड़ता। बहुत कम खर्चीला प्लांट है ये, और देखो बिल्कुल लश ग्रीन है। जब ये छोटा होता है ना तो थोड़ा लाइट ग्रीन कलर का होता है, लेकिन जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो ये डार्क शेड का हो जाता है। ज़मीन में इसको लगाएं तो ज़मीन में इसकी मैक्सिमम हाइट 7 फीट तक बढ़ जाती है, और इसमें पॉट में तो मेरे ख्याल में ये मेरे 1.5-2 फीट तक की इसकी हाइट है बस। ये देखो, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी कि ये नीचे से थोड़ा थोड़ा बर्न होना शुरू हो गया है। ये मेरा एक प्लांट थोड़ा थोड़ा ब्राउन सा हो रहा है ना, बाकी प्लांट ठीक है मेरे। दोस्तों, जैसे जैसे ये बड़ा होता है तो इसकी जो शेप है ना, ये गुलाई में अपने आप आती जाती है, इस कोई कटिंग वटिंग नहीं होती इसकी, अपने आप ये राउंड शेप ले लेता है। और ये लगे हुए भी देखो कितने अच्छे लगते हैं, अगर एक लाइन में ऊपर ऊपर ये लगा दिए जाएं तो कितने सुंदर दिखाई देते हैं। कोचिया प्लांट के बारे में दोस्तों जितना मुझे थोड़ा बहुत पता था वो मैंने आपको बता दिया। अगर कोई इसके बारे में जानकारी रह गई हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा, और अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर से आऊँगी मैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर,
हाँ, अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर कीजिए।